हेलो गाइस, तो आज हम लोग जाने वाले हैं सैर सपाटा। मॉर्निंग से था प्लान, पहले था कि थोड़ा जल्दी निकलना था, बट थोड़ा लेट हो गए। हर बार की तरह मैं ही हूँ लेट करने वाला। तो अभी निकलते हैं, तो अभी जाएंगे लोग सैर सपाटा, उसके पहले कहीं पे स्टॉपेज लेंगे, तो मिलते हैं इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में भी मजा आने वाला है आप लोगों को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी पहुँचे हम लोग जस्ट सैर सपाटा के गेट पे, अब यहाँ से करेंगे एंटर। वाह यार, भीड़ तो अच्छी खासी लग रही है भाई। भीड़? हाँ, काम पर पहली बार आ रहा हूँ। तो आया है? हाँ, पहले आया हूँ। मैकेनिकल में लड़की मतलब रेगिस्तान में पानी। रेगिस्तान में पानी? मेरे में तो एक भी नहीं थी यार। हाँ तो मेरे में भी नहीं थी ना। चले, क्या करना है, एंटर करना है अभी। हाँ हाँ, पहले टिकट ले लेते हैं भाई। 10 बजे तक कूपन रहता है यार। हैं? क्या चार्जेस हैं भाई? 30 रुपये पर पर्सन। कुछ पहले खा लें क्या यार, भूख लगने लगी। साला मुझे हमेशा भूख लग जाती है। चाय बस मिलेगी? कुछ है मुझे पता होगा, ऐसे ही होगा। कुछ क्या ना, थोड़ा अंदर होगा खाने का, अभी अंदर चल लेंगे ना। तो बता देंगे ना अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या अंदर कुछ खाने के लिए होगा, फूड जोन है, चल अंदर ही चलो। अरे यार, मैं आज कुछ लिख के नहीं लाया। कुछ ऐसा दिखता है यार, अच्छा व्यू आता है यार यहाँ का तो। हाँ ना, तभी बोल रहा हूँ ना, शानदार है ना। हाँ तो वैसे अगर छुट्टियाँ मनाने आना हो तो आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब एक आध घंटे घूमने लायक है ना। एक आध घंटे से ऊपर घूमने लायक। साले यहाँ भी कपल है। मैं कहाँ भाई, दिख नहीं रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं। बेचारे खुश ना हो क्या चाहते। अरे इनकी माँ की यार, उधर ट्रेन वगैरह भी है भाई। है ना, बोल तो रहा हूँ, एक घंटे से ऊपर घूमने लायक। मैं कैसे चुक गया, यहाँ नहीं आया। फैमिली लायक है ये जगह, अच्छी है। तो अपन लग रहा हूँ शकल खराब, माँ की तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, जिस जो कैमरा पकड़ा उसके तो बड़े अच्छे से हमको शकल है। बदबू से मर जाएंगे लोग। कौन वो कपल? दो की बहन के टके तुझे की जल रही हो रही भाई। अरे जल रही बेचारे यार, कोई तो जगह छोड़ दो। अच्छा ये स्पीकर है? हां सही है, स्पीकर है यार यहां के, स्पीकर का शानदार। अच्छा तो है। हां यार, अच्छा किया भाई। झूला झूला? हां कौन सा वाला, कोई सा भी झूल ले। हां तो आज झूलेंगे ना, इनमें डर नहीं लगता भाई। उस वाले में झूल, अबे बात वो नहीं, बच्चे मतलब अपन लोग अलाउड है। हां भाई, किधर चले, पहले कुछ खाते हैं। आते हैं चल भाई, पहले कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। रेस्टोरेंट वाले में चलते हैं। की मां का कपल तेरी, बहू का कपल तेरी। भाई लड़ाई नहीं करवाना बस। अच्छा भी है यार यहाँ, अरे बहुत शानदार है, बोल तो रहा हूँ। मतलब बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से अच्छा है, मगर कपल वाले की माँ का मैं क्या कहूँ। रहने मस्त फाउंटेन है यार, बेचारों को खुश रहने दे भाई। अरे कहाँ कहाँ खुश रहेंगे ये लोग, हम सिंगल लोगों के लिए तो यही है बस, ये पानी झरना। कल को मान ले अपन भी डबल हो गए, मान लो सही बता। मुझे तो मान के अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, मान ले ऐसा हुआ। हाँ ट्रेन है यहाँ पर, ट्रेन अपने को भी तो गाली देंगे। ट्रेन में बैठने देंगे? हाँ बैठने देंगे भाई। छुक 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 कर लें थोड़ी सी। चल पहले कुछ खाऊंगा, मुझे लगी भूख। चल पहले रेस्टो दे भाई। यार इसका माइक बड़ा शानदार लग रहा है मुझे। वो माइक बहुत शानदार। यहाँ ट्रेन भी है मजे लेने के लिए, घूमेंगे मस्त भाई। इसमें कपल एक दूसरे को देखा, लगा यूट्यूब पे आएगा वीडियो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बताना, मैंने मैं बताऊंगा नहीं, कल से नहीं आओगे यहाँ तुम लोग, बेचारी को रुला दिए। ट्रेन टिकट 20, डरना मना है 10। कहाँ मिलेगा भाई, अभी ट्रेन टिकट 20 का ही है तो। हाँ पूरा वो घुमा देगा। अच्छा अभी खाने का किधर है? खाने का वो फूड जोन है तो। यार भाई बड़ा अच्छा है ना, मस्त है, एक नंबर। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब हरियाली हरियाली है से। हाँ मतलब नेचर वाली, नेचर वाली हरियाली। ट्रेन भी है भाई, झूला भी है, खाना भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट खाना है। खाना खाना सब कुछ है। लेकिन ये है ना कि है कैसा खाना यहाँ का, अच्छा ही होगा। अच्छा तो खा के पता चलेगा भाई। और क्या कोल्ड ड्रिंक और चिप्स में क्या स्वाद देखना, मस्त झूले, सेव पूरी देख के दही पूरी आगे काम आएगा बच्चों को घुमाने के लिए तेरे। शादी हो जाएगी मतलब? वही डाउट उसी में, लक्षण तो नहीं लग रहे मेरे। बच्चे भी सोचेंगे साला मेरा बाप ही बकचोद था। बात भोसड़ी के सूती है, मेरी तो हो भी जाएगी, तेरी कैसे होगी, तू अपना सोच। क्या खाना बता, अप्लाई ले लेते हैं। 1819 चटनी इसके लिए हमें डैश फूड इन भोपाल का ऑर्डर। अच्छा ऐसा, एक थेपला ले लें। एक थेपला लगवाओ, आप देखते हैं क्या यार, मजा नहीं आया तो फिर गलत बात।
थेपला ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं पहली बार लाइफ में। कोल्ड क्या ऑर्डर किया आपने? कोल्ड कॉफी और थेपला। थेपला थेपला मैंने खाया नहीं कभी। मैंने खाया थेपला नहीं भाई, उसने पराठे बोले, मैंने बोल दिए, उस हिसाब से कुछ होगा तो। अगर थेपला अच्छा नहीं हुआ तो संजय मेरे हाथ से थपेले खाएगा। नहीं खाएगा भोसड़ी के बोला अटारो नहीं चटनी मिक्सअप करेगा वो उसमें बनाने से पहले दिक्कत उस पर नहीं है, मुझे हंसी इस बात पे आई, मैं मतलब आज तक नहीं सुधरा। दिक्कत इम्पोर्टेंट ये नहीं कि थेपला है क्या, इम्पोर्टेंट ये कि अटारो नहीं चटनी, अटारो नहीं चटनी आएगी। अभी अटारो नहीं चटनी नहीं देगा वो, अटारो नहीं चटनी को मिक्सअप करेगा। पहले जाए थे हर बार तुमको यार ना तुमसे कोई अच्छा। और आगे हम लोग का इसी कोई संजय पहले ट्राई करेगा, मुंह खराब होगा तो इसका पहले होना चाहिए ना। ट्राई कर मीठी चटनी तो नहीं है वैसी, अब देखते हैं कौन सी चटनी कैसी। अबे इसको थोड़ा थोड़ा ले, 18 चटनी है सबको एक बार ट्राई तो करेंगे कम से कम। सही है मुझे तो रोटी लग रहा है। भाई कभी बकचोदी सुजरी। अच्छा पैसा वसूल कर रहा है, पैसा वसूल दिमाग करा बहुत मजा आया ना तुझे, तेरी बहू को चुप रहे सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में, खाना खराब नहीं होना चाहिए। भाई को बहुत मजा आया बताता हूँ, यहाँ होटल से बाहर निकल के बताता हूँ भाई। हाँ कैसा रहा खाना? भाई देख लड़की मिले ना मिले ठीक, खाना खराब नहीं होना चाहिए भाई साहब। अगर लोग सुन रहे हो तो सुन लो, सैर सपाटा आने का टेस्ट ऑफ गुजरात पे कहीं गलती से खाना नहीं खाने का। इतना घंटा घटिया थेपला 40 रुपए लाख नहीं 140 रुपए लिए सालों ने, और कोल्ड कॉफी उससे अच्छी आप घर पे बना लोगे भाई साहब। सच में बहुत। और कहते हैं मेरे मेरे सबसे अच्छा फेवरेट है तेरी माँ का फेवरेट साला चटनी चिपका दिया मेरे को, सूतिया काट दिया थेपला तो पीली रोटी लग रहा था, काट दिया मेरा साला। और कोई गुजराती है तो प्लीज आए, और आप गुजरात के देखो ज्यादा बेटर जानोगे, आना चप्पल ही चप्पल पीटना इनको, पूरे दैया करके रखिए टेस्ट की। खाना खराब नहीं होना चाहिए भाई साहब, पूरा मेरा मुंह खराब है। कोल्ड कॉफी बनाया था कि कोल्ड कॉफी में ऐसी घर पे बना लूं, वो झाग ऊपर आ रहा था भाई साहब, पानी बना के उसमें पता नहीं क्या घोल मार दिया। एक सागर घेरे वाला है, वो बस हाथ लगा दे कोई चीज को तो टेस्टी हो जाती है, और ये साला चटनी चिपका के चला गया हमें। चटनी के नाम पे क्या आते अचार, जगह एक ही अचार सेम, डेढ़ जगह की चटनी और तीन जगह एक ही चटनी सेम, 18 टाइप की चटनी, 18 सीधी से बोला 18 तरीके से तुम्हारी चूतिया काटेंगे हम साला। इसकी मां का खाना नहीं, खाना कभी खराब करना चाहिए, पूरा मूड ऑफ हो जाता है। सच में यार मुझे लगा था कि ढंग का देगा यार कुछ। अरे तो मुझे भी लगा ना यार, मैंने भी तो सुना था टेस्ट ऑफ गुजरात अच्छा है। भाई साहब टेस्ट ऑफ गुजरात में नहीं खाना, और अगर शौक है ना तो चूतिया कटवा लेना वहाँ जाके, मेरा दिल से बुरा लग रहा बहुत बुरा लग रहा है। गुजरात के खाने का नाम बदनाम करके रखे हैं यार ये लोग। अरे मतलब कहाँ गुजरात चूतिया काट रही है, ये खाना मतलब उन लोगों के पास यार उनका चखना चखना होता, मतलब उनकी नमकीन नमकीन होती है चखना नहीं मतलब उनकी नमकीन नमकीन होती भाई साहब। अरे चूतिया काट दिया साला, मेरे दिमाग में यही चलेगा। टॉय ट्रेन का दो लोग क्या चार्जेस है? 40 रुपये 40 रुपये दो लोग का पर पर्सन 20। वाओ आज हम लोग ट्रेन चढ़ने वाले हैं स्टेशन पे। गुजरात की मतलब टेस्ट ऑफ गुजरात की माँ की आँख। ट्रेन कहाँ है? और हम लोग स्टेशन आए, कौन सा स्टेशन है? हाँ कोई नहीं 15 है, सब अपनी उम्र के ही है। ये अपनी उम्र के हैं, दिमाग से तो अपन इतनी उम्र के ही हैं, बच्चे होना जरूरी है भाई। आ जा ये हम लोग स्टेशन पे हैं बैक। हाँ रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन बोरा बोरा लहसुन खिला के लगा दिए हमारे वो एल टिकट। और हमारे उम्र के लोग अपने साथ कोई नहीं आएगा बैठने यार। नहीं हमारी मेरी होती अच्छी किस्मत नहीं, मैं तो कहता हूँ आगे बैठ जाते थोड़ा। क्या बोल वो पूछ क्यों पूछ क्या
लास्ट बेंचर। हाँ किस लिए? लास्ट बेंचर होने का नुकसान है क्या? आगे वाले ने पादा तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। Bloody jokes. आगे बैठो तो आपके पीछे वाला सुनेगा। बहुत आरामी है तू। जो सच है वो सच है भाई। तुम ये बताओ, 8 घंटे बैठोगे पादोगे? पीछे ये रहता था कि बकचोदी करने को मिलता था भाई। अबे बकचोदी तब करोगे जब आगे वाला तुम्हें सांस लेने देगा। वो 18 तरह की चटनी खा के आएगा सुंघाने के लिए। टेस्ट ऑफ गुजरात से पक्का। सब हमारी उम्र के लोग हैं यहाँ पर ट्रेन में। बस थोड़ा बोला अंतर है क्या एज का? हाँ, दिमाग से सब एक बड़े होंगे वो लोग। हाँ वो हमसे थोड़े से बड़े। थोड़े से बड़े, थोड़े से बड़े। भाई आजा आजा, चलने वाली गाड़ी चल। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पौने 10 ये स्टेशन को बाय बाय। स्टेशन वापस नहीं आएंगे? कहाँ वापस आएगी ना स्टेशन में 5-6 राउंड मारने के बाद। 5-6 राउंड? 1 राउंड फूड कोर्ट है और इस फूड कोर्ट में नहीं खाना क्योंकि यहाँ टेस्ट ऑफ गुजरात है। और ये बहुत शानदार और प्यारा सा व्यू। एक कन्या फोन पे बतियाते हुए जर्नी रे जर्नी टॉय ट्रेन की जर्नी टॉय ट्रेन इसकी माँ का कपल ऊपर भी कपल भाई नीचे भी कपल। ये क्या भाई 440 वाट देखे ट्रेन टॉय ट्रेन ट्रेन ले रही यू टर्न। इससे यू टर्न ट्रेन लेगी यू टर्न और हम भी लेंगे यू टर्न। अभी यहाँ तो अच्छा झूले भाई। कौन से वाले यहाँ आना पड़ेगा? झूले नहीं देते भाई। झूले खाना खाना और झूले बस ये जिंदगी मस्त है। टॉय ट्रेन ये कि सैटरडे संडे टाइम स्पेंड करना। हाँ अच्छा मस्त है। हाँ अपनी जिंदगी जी लो भाई। खाना नहीं खाओ यहाँ कुछ। हाँ खाना के नाम मतलब टेस्ट ऑफ गुजरात के नाम पे चूके का बाहर खा लो घूमती में खा लो। अबे कहीं भी खाओ बस अच्छा खाओ। ये बड़े बड़े होटलों में ये लोच है खाना अच्छा नहीं होता इनका। टेस्ट ऑफ गुजरात भाई रात हो गई अंधेरा हो अंधेरा। ये बीच में स्टेशन है और ये लोग टनल के अंदर जा रहे हैं। टनल यहाँ जिसमें जरूर चढ़ने का बंदो। आप लोग आए तो जरूर चढ़े। मैं कैमरा पकड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मस्ती करनी है। भाई मस्त है। 3-4 बार और आएंगे। एक बार दो बार तो और आना है। भूत यहाँ पर भूत कोई भूत नहीं है। ये भूत मैं भूत हूँ। हम लोग स्टेशन पे आने वाले थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थक गया स्टेशन। आपने खाना भी नहीं खाया स्टेशन पे? खाना नहीं खाया। लाइट बहुत अच्छी लगाई ना ब्लू। जंगल गया कुछ कुछ नहीं खाने का यहाँ पैसे लिखा था लो दो बॉडी का टेस्ट। हाँ स्टेशन आ गया भाई। घर नहीं खाता हूँ। ये रहा ट्रेन वाला मस्त है। हाँ ट्रेन एक नंबर भाई मतलब मस्त है। मतलब अगर टेस्ट ऑफ गुजरात ने टेस्ट दिमाग खराब किया 20 रुपये। हाँ 20 रुपये लायक है वो। 20 क्या वो मेरे हिसाब से 30-40 रुपये लायक भी है वो। हाँ तो यहाँ रात हो चुकी है। रात हो चुकी है ठीक है। हम लोग का मुँह नहीं दिख रहा होगा। वैसे भी हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। चलो क्यों बे ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे गंडू? क्योंकि हम इंजीनियर हैं। इंजीनियर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं। टॉयलेट अच्छा अभी नहीं करना बाद में करेंगे। ये लोग याद दिला देते हैं। ऐसे बोर्ड पढ़ लिया ना मुझे याद आ गया। तेरा मुंह भी टॉयलेट की तरह है फिर। नाइस जोक सच बोलो तो जोक लगता है इनको। जोक है और आगे आगे हमारी मंजिल है एकदम आगे। हमें पूरा यकीन है कि आगे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा खाने के लिए? तेरी माँ का खाना नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा आगे। हाँ वो वाला व्यू है। कोई सा व्यू है आगे। इसी वाले व्यू की बात कर रहा था। शायद हमें शेर देखने को मिल जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किस पॉइंट है? मुझे भी वही लग रहा था मगर तू और मैं नहीं। आराम ही दूर रहे ना मेरे से। क्या भगे उसे क्या साला किस पॉइंट पे ला रहा है? आने का है कुछ कि नहीं? पूरा अंधेरा है कुछ नहीं दिख रहा आपको। मेरा मुंह भी नहीं दिख रहा होगा। वो देखने लायक भी नहीं है वैसे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो नहीं है? हां वाओ
इसका नाइट मोड ऑन कर। अच्छा आप लोगों ने सुन लिया, सॉरी। आगे ज्यादा ना जाना, तैरना आता है ना। हाँ नहीं मतलब वो मैं बातों बातों में ज्यादा बोल जाता हूँ। ज्यादा आगे निकल जाता है ना। आगे है व्यू, ये अच्छा व्यू है यार। हाँ व्यू बहुत शानदार है। वो सैर सपाटा का ब्रिज है। हाँ अच्छा व्यू आ रहा है यार। तो नीचे हाँ? भी लाइट जल रही है यार, ये कैसे हो सकता है? और हमारे पास मिला है हमें व्यू, भोपाल का व्यू। ये मस्त लग रहा है भाई, ये बहुत शानदार। और शेर ना मिला तो एक शेर सुना दो। कौन सा? कोई सा भी जाते जाते नहीं, अभी जान नहीं रहे हैं मतलब। किस, यहां तरह, पे किस तरह की तुम सुनाओगे? क्या दर्द भरा ही सुनाओगे? तो सुना दो, हंसी बजा के तुम आते नहीं। हर आदमी यही तुमसे पूछता है, इतना दर्द कहाँ से लाते हो संजू जी? काहे का जी, पार्ले जी की ज्यादा इज्जत है संजू जी से। पार्ले जी के पास सरकारी नौकरी है, ठीक है? सुनाओ एक। क्या अभी जो मेरे दिल के करीब है उसको बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन है तुम्हारे दिल के करीब? कि काश के तेरे प्यार की ख्वाहिश न की होती, काश के तूने प्यार में साजिश न की होती। हम मिलते न मिलते ये तो सब मुकद्दर का खेल था, हम मिलते न मिलते ये तो सब मुकद्दर का खेल था, पर काश की कवार ही सही, पर तूने मुझे पाने की कोशिश तो की होती। वाह वाह वाह, काश काश गम काश। इस बात का नहीं कि वो किसी और के हो गए। अच्छा गम इस बात का नहीं कि वो किसी और के हो गए, गम तो इस बात का है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर उन्हें इस बात का गम ना हो कि आखिर क्यों किसी और के हो गए। वाह बहुत सही था यार, शायर बन जाओ कटने के बाद। हाँ सही है, ऐसे शायर भाई सच में कुछ। हर आदमी तुमसे बस एक ही चीज पूछे, जिंदगी हर दिन आपको एक नया मौका देती है। सही बता, सही में। अच्छा आप किसी के साथ भी हो, आप किसी के बाद भी हो, तो ये कभी मत सोचो कि आज से दुनिया खत्म है, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत की जा सकती है, बस खुद पे यकीन होना चाहिए। अच्छा हाँ। सच में नाइट का व्यू काफी अच्छा है। सही है, इजिली आ सकते हैं, वीडियो वगैरह बनाना हो तो भी आ सकते हैं, नॉर्मल भी आ सकते हैं, पिक्चर वगैरह क्लिक करनी हो तो भी आ सकते हैं, मतलब अच्छा वर्थ तो भी आ सकते हैं, एक नंबर। और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, काफी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, फैमिली ज्यादा आती है। फाइनली कोई ऐसी जगह जहाँ कपल कमाते हैं आ सकते हैं, जिनके पास दोस्त हैं ऐसे। कैसे ऐसे? हाँ तो मेरे पास भी तो ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग। दो घंटे कौन सा टाइम? क्वालिटी टाइम, वो उनका क्वालिटी टाइम ही होता है ना, होगा यार। कौन सा टाइम होता है सबको मालूम, 15-20 मिनट वाला क्वालिटी टाइम। नहीं नहीं 15-20 नहीं, दो घंटे 4 घंटे रुक सकते हैं। अरे अरे 2 घंटे 4 घंटे हाँ मतलब तो सबको 10 मिनट चाहिए। तो सच्चे वो सच्चे भाई, 10 मिनट वाला यहाँ कहीं नहीं हो पाएगा यार। हाँ यहाँ हो नहीं पाएगा, मगर यहाँ पे प्लॉट बनता है। मतलब प्लॉट बनता है, मतलब यहाँ पे जो मूवी डायरेक्ट होनी है उसका प्लॉट बनता है, और मूवी का एक्शन कहीं और होगा। ओयो और नया कौन सी जगह आया सहाना? नहीं पता। यहाँ पे फील्डिंग घेरी जाती है, फिर वहां जाके क्लीन बोल्ट। चले बाय, तू चला जा, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास फोन है, मैं तो चाह ही रहा था ऐसा। बाय बाय, अबे कुत्ते। लेकिन सैर सपाटा का इजीली आप लोग घूम सकते हैं, वहाँ जा अपनी जगह है। लेकिन हाँ खाने का ट्राई मत करिएगा, गलती से भी नहीं, और बाकी घूमने के लिए अच्छा है। इजीली आइए, घूमिए, 2-4 घंटे स्पेंड करिए आराम से, मॉर्निंग में भी आओ, दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ बेस्ट है, तो भी आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा दुखियारी है बेचारा, इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। इसकी जल जाती है, जलती है। तुम्हारे पास तो, तुम्हारे पास एंट्री टिकट का चार्ज है 30 रुपये, और ट्रेन के टिकट का चार्ज है 20 रुपये।